तो भाई थोड़ा सा होशियार समझदारी से काम करो, क्योंकि हमारे पीछे हमारे परिवार का कोई है नहीं संभालने वाला उन्हें। राम राम भाई सारे भाइया ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल ए वी कैब वाला के नए व्लॉग में करता हूँ भाई बहुत स्वागत। तो भाई आज जो ये वीडियो बनाया जा रहा है ना, वो एक बड़ा ही सेंसिटिव, बड़ा ही इमोशनल वीडियो है, जिसके बारे में भाई आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नए ड्राइवर भाई हैं और इस लाइन में आए हैं, और पुराने भी जो हैं भाई, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एक रात में कल जो घटना हुई है ना, उसका पता तो मुझे किसी भाई संजय भाई ने बताया, उनके पास वीडियो था, तो उस वीडियो के थ्रू ही पता चला है। मगर ये भाई ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में सारे भाइयों ने जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी के पास भी हम में से जो भी, जैसे संजय भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे होया, इसके बारे में वीडियो ज़रूर बना के बताना चाहिए भाइयों थे। तो सिर्फ एक यही, इसी तरीके से एक दूसरे से हम बात करते रहेंगे और एक दूसरे को सचेत करते रहेंगे आने वाले समस्याओं के बारे में या कोई भी दिक्कत के बारे में बेरा हमने पाटा है, तो भाई एक दूसरे को ज़रूर शेयर करना है। तो इसी सिलसिले में भाई ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो भाई ऐसा होया है कि 16-17 सेक्टर के पास में रात में एक ड्राइवर भाई गाड़ी में सो रहा था भाई, और एक क्लिप भी मैं उसमें वीडियो के लास्ट में डालूंगा, जो हमारे पास आई है जो वीडियो, वो भी मैं डालूंगा, उसको भी देखियो आप। तो भाई गाड़ी लगा के ड्राइवर भाई था, वो सो गया है उसमें गाड़ी में, और भाई गाड़ी में क्या रहता है ना, चारों तरफ से गाड़ी हो जाती है बंद, फुल पैक गाड़ी हो जाती है, और अब जो नई गाड़ियाँ जो आ रही है ना, इनमें कहीं से भी ऑक्सीजन का कोई भी साधन इसमें रहता नहीं है, और या तो एसी चला के भाई सो जाओ, अगर बिना एसी के अगर आप सो रहे हो ना, तो शीशे अपने जो विंडो होती है ना, उसको थोड़ा बहुत एक उंगल दो उंगल नीचे करके सोया करो भाई। और उस ड्राइवर भाई का भाई उसमें दम घुटा, देखो वो तो एक मेडिकल रिपोर्ट उनकी आ जाएगी तो ही पता चल पाएगा क्या कारण था। मगर जो सबसे बड़ा जो कारण सामने आया है वो यही है, इस तरीके के पहले भी बहुत सारी भाई घटनाएं हो चुकी हैं, गाड़ी बंद करके सो जाते, क्योंकि भाई सारा दिन हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें लेटते ही पड़ते ही एकदम आती है बहुत ज़बरदस्त नींद, तो भाई इस तरीके से जो सो जाते हैं हम ड्राइवर भाई, दिन में थकावट हो जाती है ज़बरदस्त, क्योंकि भाई मेहनत इतनी है गाड़ी में, शरीर ऐसा टूट जाता, हमें लेटते ही आ जाती है नींद, और हम चोरों की डर की वजह से, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो चोर लुटेरे हैं ना भाई, समय की चर्सी जो घूमते हैं रोडों पे, उनके डर से हम चारों लॉक लाक और विंडो एकदम फिट करके सो जाते हैं, जो कि भाई सबसे बड़ी गलती है। रात में अगर आप काम पे निकल रहे हो ना भाई, या तो पूरी रात जगया करो, और ना तो किसी ऐसी सेफ जगह पे गाड़ी लगा के सोया करो जहाँ थोड़ा बहुत आप विंडो का शीशा जो है आप नीचे कर सको। इस तरीके से हमने सोना है, क्योंकि भाई ये घटनाएं पहले एयरपोर्ट पार्किंग लॉट में भी कई बार हो चुकी हैं। एक बार भाई आगरा के ड्राइवर की भी न्यूज़ आई थी, और एक लेटेस्ट तो आपको बता ही रहा हूँ, ये तो कल की ही बात है भाई। ये तो इस तरीके की घटना भाई ना घटे, या तो रात में गाड़ी चलाओ मत, अगर चलाओ हो तो भाई बहुत ज़्यादा होशियारी में गाड़ी चलानी, कम से कम सोने की कोशिश करो, अगर सोना भी पड़े है देखो भाई, नींद तो सब ने आनी आनी है, सोना भी पड़ा है तो थोड़ा बहुत विंडो ओपन करके सोया करो, क्योंकि भाई इस तरीके की घटना जब सामने आती है ना, एकदम बस मूड ऑफ हो जाता है, झकझोर दे हाथ माने इस तरीके का। यार वो लड़का था, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी, बाकी भाई थोड़ा सा होशियार होकर गाड़ी चला करो। और भाई तो भाई धन्यवाद करो संजय भाई का, जिसने ये बताया है इसके बारे में, और इस तरीके से भाई बताया करो तो संजय भाई के, मैं थोड़ा बहुत बताओ इस किस तरीके से ड्राइवर भैया ने करना चाहिए और इसके बारे में कुछ, क्योंकि भाई अपनी सेफ्टी रखो सबसे पहले, अपनी जान उसके बाद है काम, अपनी सेफ्टी सबसे जरूरी है भाई। गाड़ी में सो तो एसी चला के सो और शीशा उतार के सो भाई, सबसे बढ़िया है। या तो एसी चला लो या फिर थोड़ा बहुत शीशा उतार लो, एसी तो ऑक्सीजन आती रहे बाहर की, और ये बात के खासकर भाई सर्दी में विशेष ध्यान देना है, हीटर की गलती कभी नहीं करनी है, भाई हीटर चला के सो जाना है। अभी तो सर्दी में तो है टाइम 1-1.5 महीने का, मगर हो सके भाई कश्मीर में कोई वीडियो ड्राइवर भाई देख रहा हो, वैसे बाकी पता रहता है जो कि इस तरह के ठंडे मौसम में काम करते हैं, तो हीटर तो भाई बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि हीटर भाई ऑक्सीजन बंद कर देता है सारी। भाई जो हमारा परिवार हमारे पीछे इंतजार कर रहे हैं, हमारा वेट कर रहे हैं अभी तक, शायद उनके परिवार वालों को पता भी ना चला, पर हाँ उस टाइम पर पुलिस आ गई थी भाई, उन्होंने अपना तो ड्राइवर का तो सब कुछ लाइसेंस आधार सब कुछ रहता ही है पास में, तो परिवार को तो कन्फर्म है, पता चल गया होगा। तो भाई थोड़ा सा होशियार
समझदारी से काम करो, क्योंकि हमारे पीछे हमारे परिवार का कोई है नहीं संभालने वाला उन्हें। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो सके है बात करने के लिए, पर सिर्फ एक ड्राइवर भाई जो भी इस लाइन में एकदम नए आए हैं उनको शायद आइडिया नहीं हो, इस तरीके की घटनाएं भी घट जाती हैं, तो उनको सचेत कराने के लिए भाई ये वीडियो था। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नए ड्राइवर भाई आते ही पहुँच जाए तो भाई फॉरवर्ड कर देना इसको, ताकि जितनी जानकारी फैलेगी उतना हम सब भाइयों के लिए ठीक रहेगा। और इस तरीके की भाई जानकारी जैसे संजय भाई ने मेरे को बताया, इस तरीके की अगर आपके पास भी कोई बात हो जिसके बारे में नए ड्राइवर ने पता चलना चाहिए तो ज़रूर भाई कमेंट करके बताना। तो भाई इसी उम्मीद के साथ सारे भाई ये वीडियो देख के हो जाएंगे होशियार, और आके अपने फ्यूचर में अगर रात में नींद आती भी है तो थोड़ा होशियारी के साथ सोएं। तो इसी उम्मीद के साथ भाई वीडियो आया होगा पसंद, तो भाई अपने भाई विक्की खत्री और संजय भाई ने दो भाई इजाजत, सारे भाई राम राम भाई।